बच्चे हमें चिता पर रखकर जला देते हैं। जलने के बाद हमारी जो राख बनती है ना, उस राख को 25 रुपए के घड़े में डाल दिया जाता है। वो घड़ा अधिक से अधिक 25 रुपए का होता है, जिसे हम बोलते हैं अस्थियां। हाँ, अस्थियां घड़े पे डाल दिया और लेकर जा रहे हैं। कल तक जो कहता था मैं मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, आज वो 25 रुपए के घड़े में आ गए। आप जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कथा को, विचार कर लीजिए, जब प्राण निकलेंगे ना तो हम सब 25 रुपए के घड़े में आएंगे। हम सबकी यही हालत होगी। हाँ, इसलिए मिट्टी हो तुम, इससे अधिक कुछ नहीं हो। राख हो तुम, इससे अधिक कुछ नहीं हो। फूक मारी जाएगी तो उड़ जाओगे, यही हम सबकी रियल स्थिति है। इसलिए मैं कुछ हूं ये अहंकार त्याग कर सादा जीवन जिए। सबसे स्नेह करिए, सबसे प्रेम करिए, अहंकार त्याग दीजिए और मोह त्याग दीजिए। मोह, ये मेरा ना, कोई मेरा नहीं, भगवान मेरे हैं बस। ये शरीर भी तो आपका नहीं है, ये शरीर भी तो छोड़कर चला जाता है बुढ़ापे में। कई बार आपने देखा होगा किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा आधा अंग काम करना छोड़ देता, मतलब शरीर ने साथ छोड़ दिया। शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारा साथ क्यों छोड़ता? शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तो साथ छोड़ देता है। इसलिए भगवान से कृपा प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे हैं और आप ही मेरे रहें, यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। भगवान को बांधा, माँ यशोदा काम पे लग गई, काम पे चली गई, घर का कार्य निपटाने लगी। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और आगे यमलार्जुन के दो वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। भगवान जब वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष गिरे, दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानु कछने श्रवण कथाया अस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तन्ना। दोनों वृक्षों ने भगवान की स्तुति की। परीक्षित ने कहा ये वृक्ष क्यों बन गए? तब कहा इन्होंने संतों का अपमान किया था, संत को देखकर खड़े रहे, अब प्रणाम नहीं किया, वृक्ष बना दिया। नारद जी ने श्राप देकर, आप जब बड़ों का आदर नहीं करते, बड़ों के सामने झुकते नहीं है, तो वृक्ष बनाकर भगवान खड़ा कर देते, खड़े रहो तुम, एक अकड़ है ना ज्यादा, खड़े रहो। इसलिए झुकना सीखिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। एक दिन भगवान अपने घर पे यशोदा माँ के पास थे, माँ यशोदा बिजी थी, तभी एक सुखिया नाम की माँ फल बेचने आई। पूरे गांव में उन्होंने घूमकर फेरी लगाई पर कोई फल लेने वाला नहीं बचा, मिला तब माँ सुखिया के फलों को भगवान कृष्ण ने खरीदा, फल लिए और बदले में कुछ धान, कुछ गेहूं के दाने दे दिए। इतना सा दिया, सुखिया ने कहा लाला फल लोगे क्या? हाँ हाँ माँ ले लूंगा, दे दो। सुखिया ने सारे फल दिया। सुखिया ने कहा बेटा इसका मूल्य दे दो। कन्हैया बोले मूल्य क्या होता है माँ? बेटा जब कोई कुछ लेता है ना तो बदले में उसे मूल्य चुकाना पड़ता है, तो मूल्य दे दो। कन्हैया बोले मेरी माँ तो मुझे रोज कुछ खिलाती पिलाती है, वो तो मूल्य नहीं लेती, तो मूल्य मांग रही हो। सुखिया ने कहा बेटा हमारी रोटी, हमारा परिवार इसी से चलता है, हमें कुछ तो दे दो। कन्हैया बोले तो ठहरो मैं लाता हूँ। घर गए, अंदर से चावल के बोरे में हाथ डाला, चावल अंजलि में भरा भगवान और चल पड़े। पर चलते चलते छोटे छोटे हाथ थे और बीच में से जो हाथ के बीच में, दोनों हाथ के बीच में जो जगह थी, वहां से पूरे चावल गिरते गए, गिरते
बिखरते गए, रास्ते भर बिखरते गए, थोड़े से हाथ में रह गए। वो माँ की टोकनी में भगवान ने ऐसे ऐसे झड़ा दिया। जब टोकनी में ये झड़ाए, सुखिया ने कहा लाला बस इतना ही? हाँ हाँ माँ बस इतना ही। सुखिया बोली कोई बात नहीं, आज बच्चों को यही खिलाऊंगी। वो लेकर घर गई और जैसे ही बच्चों ने कहा माँ क्या लेकर आई हो, माँ ने कहा बेटा आज तो कुछ नहीं मिला। बच्चों ने कपड़ा हटा कर देखा तो जितने दाने चावल के भगवान ने गिराए थे, एक एक दाने के बदले ना जाने कितने सोने के सिक्के बन गए, कितना सोना बन गया, चांदी हीरा और मोती पूरा घर भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। इतना सा देता है, इतना सा लेता है, और इतना कुछ देने की सामर्थ्यता किसी के भीतर है तो केवल मेरे श्याम सुंदर के भीतर है। तो भगवान ने सुखिया पर कृपा की।